अकरम अहवाले शाक और मीडिया ग्रुप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल महमूद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 2 साल पहले होने वाले इलेक्शन के बारे में और आवाम से राय पूछेंगे क्या उन्होंने जिस पार्टी या नुमाइंदे को वोट दिया क्या उसकी कारकर्दगी से मुतमिन है। आइए आवाम से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने 2 साल पहले आज ही के दिन जिस पार्टी या नुमाइंदे को वोट दिया था, क्या आप उसकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं और क्या आइंदा उसी पार्टी को ही वोट देंगे? देखो जी, असी तो पहले वोट दे रहे गलती दी आ, साढ़े दिल की राय ये जी, तो जिदा उन्हें क्रिकेट में टप चटिया वा, शायद उन्होंने इन्नी काबिलियत हो दोबारा मुल्क चला सकन, बाकी उन्होंने बेरा तारता साढ़ा उदा ही। गरीब बंदे दिहाड़ीदार बिल बेली नहीं तारे जाते साढ़े रो, उल्टा ना तारो तो आ रहे वाप डाले धमलियां लो लोन लग पे सू और कहते टी टड़ी असं भी टी टड़ी ले कहते आइंदा क्या उसी पार्टी को ही वोट देंगे या ये जी साड़ी पहली गलती सी तो आठवीं गलती सी, दोबारा सानू आ रहे माफी भी मनन दे असी उन्होंने वोट नहीं दिने, मुतमन वाली कड़ी गल हुई भाजी। अल्लाह के हुक्म से उसको दे, हाँ जी, ये हमारी पार्टी जो है ना इमरान खान की बहुत अच्छी पार्टी है, इसलिए हम उसको वोट लाजमी दे। आइंदा इलेक्शन जी भी तुसी उसे पार्टी नू अपना वोट कास्ट करोगे या किसी और पार्टी नू दोगे? असीं उन्हूं कदी भी ना हुण वेखांगे, जिंदा दिल कीता देंगे। आपने आज के दिन जिस पार्टी और नुमाइंदे को वोट दिया था, क्या आप उसकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं और क्या आइंदा उसी को ही वोट देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को वोट दिया था और हमारे कायद और जो हमारे कारकुनान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तवक्को से उनको वोट दिया था वो उन तवक्कात पर पूरा उतरे हैं। कोई भी इस्लाम के खिलाफ ना मूसे रसालत के खिलाफ आप बात देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद सबसे पहले मैदान में आते हैं, चाहे वो कादियानी को मशीर लगाने का मामला हो, चाहे वो मूसे रसालत और ख़त्म नबूवत का मामला हो, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना खाके शाया होते हैं उनका मामला हो, कोई भी मामला हो, वो सबसे पहले हमारे कायद जो है ना वो मैदान में आते हैं। इवन के जो ये कोरोना का मामला है उस पर ये जो है मस्जिदें सब लोगों ने अपनी अपनी बंद कर दी, लेकिन हमारे कायद जो है अपनी मस्जिद में मौजूद रहे हैं और वैसे ही जुमा होता रहा है मस्जिदों में। और अब जो ये देख लें आप, ये जो फिल्म इन्होंने शाया की है ज़िंदगी तमाशा के नाम से, जो सरासर जो है वो इस्लाम और ख़त्म नबूवत और मूसे रसालत के उसमें जो तोहीन की गई है उसके खिलाफ अगर कोई पहले मैदान में आया तो वो हमारा कायद है जी। सर हुकूमत भाई का दी हुकूमत कोई भी नहीं हैगी, सारा हिसाब किताब गलत होया पाया, उतो ईद आई है, कारोबार है कोई नहीं, परेशान होए बैठे हैं, लॉकडाउन होया पाया, दुकाना बंद आ, ठीक है इधर देखो हूँ एसी साहब आ रहे हैं, हूँ जिन्हें जिन्हें दुकाना खुलियाँ वा वो भी सील हो रही वा, ठीक है ना। हाँ जी, इमरान नू तो अं वोट नहीं दिते है, अं दिते नवाज शरीफ साहब न, ठीक है ना, इमरान साहब हूँ जदों के आए उन्हें कोई काम नहीं किया है, आवाम भुखी मरी है, ठीक है ना, कारोबार कोई नहीं है, अगे अगे ना होर भुख पै गई हैगी, हिसाब किताब होया पाया। ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੂੜਾ ਮਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਗੋਂ ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਟੁਕਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਲ ਜਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। मुतमईन तो ये है कि वो हालात बहुत ख़राब हो गए, वो पहले से ज़्यादा ख़राब है हालात, हमने वोट भी इमरान खान को दिया था लेकिन हमको थोड़ा सा पछतावा हो रहा है अभी, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा भी इमरान खान को देना इंशाल्लाह वोट, लेकिन वो अपने कारकर्दगी सही करें इंशाल्लाह, कारोबार भी तुम्हें पता ही नहीं है वह आगे मैडम आ जाती है, बहुत जड़ा ना हालात ख़राब है वह, जुर्माने भी हो जाते हैं, दुकाना भी बंद, एक दिन बंद है वह, 2 दिन खुला रहते, कोई काम शाम नहीं है इस तरह, जो पहले से जैसा काम वो जैसा नहीं रहा, तो इंशाल्लाह वोट हम फिर भी इमरान खान को देना है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा ना आपको थोड़ा तवज्जो दे आवाम पे, तो बहुत ज़्यादा तंग है, तो गरीब आदमी अब किधर जाए, पूछना तो ये है कि गरीब आदमी रोटी कहाँ से खाए, एक लॉकडाउन है, एक ऊपर से तमाम कारोबार बंद पड़ा हुआ है, तो हम तो इमरान खान से ये अपील करते हैं कि भाई खुदा के लिए इस आवाम को रोटी दो। आप इस तो कहते थे कि जो नीचे से ऊपर जाए वोट आ चुके, तो गल के मेहरबानी हो जी बंदे वोदी हुकूमत है वो सब कुछ कर सकता है, इस टाइम पाकिस्तान का संदरा असं कहने भी चलो माड़िया बंद वास्ते गरीबों वास्ते वो खुशहाली का कोई बन गया इस बात में।
अपने हवाले से आकर मीडिया ग्रुप से अपने मेजबान फैसल महमूद को और अपनी कैमरा टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।